जय हिंद। हम चैन से सो पाए इसीलिए वह सो गया कि हम चैन से सो पाए इसीलिए वह सो गया। वह भारतीय फौजी था जो आज शहीद हो गया। जय हिंद दोस्तों। देश के आर्मी जवानों की तरफ से दुखद खबर सामने मध्य प्रदेश के रीवा जिले से निकलकर आई है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले का 29 वर्षीय जवान ब्रज किशोर शाह के सड़क दुर्घटना के चपेट में आकर शहीद हो गए हैं। शहादत की सूचना घर पर मिलते ही घर पर कोहराम मच चुका है। परिवार परिजनों को रो रो कर हालत बुरा बन चुका है। शहीद जवान ब्रज किशोर साकेत का 8 दिन पहले ही शादी हुआ था। महज अपने शादी के 8 दिन बाद ही सड़क दुर्घटना के चपेट में आकर जवान का मौत हो गया। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच चुका है। इनकी वीरांगना पत्नी का रो रो कर हालत और भी बेहोशी बन चुका है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र से मन के झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां शादी की खुशियां चंद दिनों के भीतर ही मातन में बदल गई है। 29 अप्रैल को सड़क हादसे में सेना का जवान का मौत हो गई है। युवक सेना का जवान था। बताया जाता है कि उसकी शादी 21 अप्रैल को हुई थी। बीती रात को रीवा से घर लौटने समय दर्दनाक हादसा हुआ। बुलेट सवार युवक अनियंत्रित होने की वजह से सूखे नहर में जा गिरा। हादसे में सेना का जवान ब्रज किशोर साकेत और उसके दोस्त का दर्दनाक मौत हो गया। युवक के मौत की खबर सुनते ही घर पर कोहराम मच चुका है। दुल्हन के हाथ में मेहंदी भी नहीं छूटी, तभी वह विधवा हो गई है। मामला रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र का है। सिमरिया का बमनी गांव के रहने वाला 29 वर्षीय जवान ब्रज किशोर साकेत सेना का जवान था। बीते कुछ माह पहले ही उसकी शादी सतना जिले में बंदना साकेत के साथ तय हुई थी। शादी के लिए ब्रज किशोर 28 दिन की छुट्टियां लेकर अपने गांव बमनी आया हुआ था। शादी की तैयारियां शुरू हुई। 21 अप्रैल को बमनी गांव से सतना जिले के लिए बारात रवाना हुई। बड़े धूमधाम से बारात सतना पहुंची। रस्मों रिवाजों के साथ विवाह संपन्न हुआ। दूसरे दिन विदा हुई बंदना अपने ससुराल पहुंची। पूरा घर की शादी का खुशियां में डूबा हुआ था, लेकिन शादी के 8 दिन बाद ही बड़ी अनहोनी हो गई, जिसमें खुशियां वाला घर में मातम पसर गया। ब्रज किशोर साकेत ससुराल की ओर से उपहार में मिली बुलेट से एक दोस्त के साथ 29 अप्रैल को किसी काम के सिलसिले से रीवा गया था। रात में अपने दोस्त के साथ बाइक से वापस घर लौट रहा था। रात के करीब 9:30 बजे रास्ते में अचानक एक नहर के पास बुलेट अनियंत्रित होकर छूट गया। वह सूखे नहर में जा गिरा। हादसे में ब्रज किशोर और उसका दोस्त विपिन पांडे 23 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गए थे। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस ने 108 एम्बुलेंस को मदद से रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि सेना का जवान ब्रज किशोर साकेत पश्चिम बंगाल में बागडोगरा रेजिमेंट में मेडिकल डिपार्टमेंट में नियुक्त था और वह जवान देश की सेवा दे रहा था, लेकिन शादी की छुट्टी लेकर वो घर आया हुआ था। ब्रज किशोर की शादी बीते 21 अप्रैल को सतना जिले से बंदना साकेत के साथ हुई थी। पूरा परिवार शादी की खुशियां से अभी बाहर नहीं निकला था, लेकिन नियति का कुछ और ही मंजूर था। सड़क हादसे में ब्रज किशोर और उसके दोस्त की मौत हो गई। परिवार में शादी का खुशियां मातम में तब्दील हो गया। इधर बंदना के हाथ में लगी मेहंदी का रंग फीका पड़ने से पहले ही उसका मांग का सिंदूर उजड़ गया। मांग का सिंदूर उजड़ने पर उनकी पत्नी का रो रो कर हालत और भी बेहोशी बन चुका है। बताया जाता है कि शहीद जवान ब्रज किशोर बीते कई वर्षों से लगातार माँ भारती की सेवा देते आ रहे थे, लेकिन दुख की बात यह है कि यह जवान का सड़क दुर्घटना में चकेट में आकर यह जवान का दर्दनाक मौत हो गया। शहीद जवान ब्रज किशोर साकेत का 8 दिन पहले ही शादी हुआ था। महज अपने शादी के 8 दिन बाद ही यह जवान का सड़क दुर्घटना में चपेट में आकर मौत हो गया। सच में दोस्तों, जब कोई फौजी देश के लिए सरहद पर शहीद होते हैं तो दिल नहीं आत्मा भी तड़प तड़प कर होती है।